तो देखिए आप लोग, यहाँ पे ईद की नमाज जो है मुकम्मल कर ली गई है। हे दोस्तों, हम सभी लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं नहा धोकर। अभी 7:10 हो रहे हैं और जो है अभी ईदगाह में 8 जो है ईद की नमाज़ अदा की जाएगी और सब कुछ यहाँ पे हम लोग जो है रेडी हो गए। अब यहाँ से निकल रहे हैं घर से और यहाँ पे देखिए सारा सामान जो है फैला है, इतर वगैरह सब कुछ हम जो है लगा लिए और सिवाई भी चख लिए। तो अब निकलते हैं ईदगाह की तरफ, धीरे धीरे जाना होगा क्योंकि स्टिक से जो है चल कर जाना होगा इससे मेरे को, और चेयर भी ले जाना होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग पहले निकलते हैं। 7:10 हो रहे हैं, अब घर से निकल रहे हैं। जो भी होगा मैं आपको ईदगाह में वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आप लोग को दिखाऊँगा। तो आप सभी लोगों को ईद मुबारक, जा रहे हैं हम लोग जो है ईद की नमाज़ अदा करने। तो फाइनली दोस्तों जो है हम ईदगाह में जो है चल दिए ईद की नमाज़ अदा करने, और इधर से तो यहाँ पे धूप आ रहा होगा, इधर से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ से अब चल दिए हैं, अब जो है टाइम होने को है 7:30 और 8 जो है नमाज है, तो चलते हैं ईदगाह में। और वहाँ पे जो भी आई थिंक इस साल भी जो है टेंट वगैरह जो है लगा है, तो चलिए चलते हैं। भाई जो है चेयर ले जा रहे हैं बैठने के लिए, बैठ के इसी पर जो है पढ़ेंगे नमाज। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस साल भी जो है ईदगाह में टेंट वगैरह यहाँ पे सब जो है लग चुका है। सब लोग जा रहे हैं ईद की नमाज जो है अदा करने। तो इस साल भी देखिए हमारे गांव के जो है पिंटू भैया प्रधान तबरेज खान, यहाँ के प्रधान है, जो इस साल भी जो है टेंट यहाँ पे लगवा दिए हैं। तो काफी अच्छा से जो है ईदगाह जो है सजाया गया है, अंदर का भी मैं आप लोगों को जो है दिखा रहा हूँ। दोस्तों फाइनली जो है हम जो है ईदगाह आ चुके हैं, अब अंदर जा रहे हैं और अभी जो है टाइम है नमाज होने में। अभी देखिए सब लोग आ रहे हैं, ये उसिया का पूरा जो है ईदगाह है, साइड में कब्रिस्तान भी है। तो फाइनली जो है हम जो है पहुंच चुके हैं, तो अंदर चलते हैं और जितना हो सके मैं आपको जो है रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा।
अच्छे से जो है सजाया गया है जमा करते और विक्रोस्कार करते रहे। जो है ईदगाह में जो है आ गए, यहाँ पे देखिए पूरा टेंट वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो है लगाया गया है। रमजान शरीफ और काफी अच्छा लग रहा है भाई, आज का दिन तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है और सब लोग जो है यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। सब लोग जो है अभी ईदगाह में आ रहे हैं, 8 बजे जो है नमाज पढ़ी हो जाएगी। और इस हकीकत को समझना पड़ेगा, इस्लाम ने हमको आज़ाद नहीं छोड़ा है, हमें इस्लाम ने आज़ाद नहीं छोड़ा है, उसने एक शरीफ हुदूद कायम कर दिया है और एक हद से कुछ इख्तियार दिया है कि हम जायज़ चीज़ों से फायदा उठाए इस्तेमाल करें, लेकिन एक रस्सी एक लाइन खींच दी है शरीयत से जिससे आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ जहाँ पर अहकाम शरीयत ने हमें पाबंद किया है हमें उसकी पाबंदी करनी है और इस हकीकत को तस्लीम करना है, इस हकीकत को भी तस्लीम करना है। मेरे अजीजों, मुल्क के हालात आप सबके सामने हैं, मुल्क के हालात आपके साथ सबके सामने हैं। मेरे अजीजों, बिला तकल्लुक बिला तरद्दुद बिला तमहीद से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त कौम मुस्लिम के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी सब्र आजमा है। अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए, हमने अपने अंदर अगर सियासी बिदाइयाँ नहीं पैदा करी, अगर हमने अपने अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं पैदा किया, तो याद रखें वक्त हमें कहीं माफ नहीं करेगा। याद रखें हकीकत को कि आने वाला वक्त हमारे लिए हमारे कानून बनते हैं। याद रखें इस मुल्क के मुसलमान को बड़ी ही मुश्किल आत्मा और सब्र आजमा और आजमाइश वाला है। हमें सियासी बेदारी का भी सबूत देना है, हमें सामाजिक बेदारी का भी सबूत देना है। इसलिए कर आगे उस हकीकत से अपनी आंखें चुराई, अगर हमने उससे अपनी नजरें चुराई, याद रखें जहां पर हमारे हक में और हमारे खिलाफ कर सके एक दो बोलना चाहिए। जो हजरात बाहर खड़े हैं सब पंडितों ने आगे वक्त करीब है, जमात का टाइम हो गया है। आप हजरात इतना जल्दी हो सके ईदगाह के अंदर तशरीफ लाएं और काम अभी बहुत है।
पांच मिनट टाइम और रह गया भजरात जो खड़े हैं आप लोग लाइन में अपना अपना सब पूरा करें। फाइनली जो है ईद की नमाज जो है यहाँ पे अदा हो चुकी है, हम लोग जो है ईद की नमाज जो है पढ़ चुके हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी का मौका है, देख सकते हैं चारों तरफ लोग ईदगाह में जो है सेल्फी वगैरह यहाँ पे जो है ले रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चारों तरफ जो है सेल्फी का माहौल है, इधर जो है पढ़ रहे हैं सब लोग, पूरा ईद की नमाज जो है मुकम्मल कर ली गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी का मौका है। और ये मेरे बड़े भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हाँ, आप सभी को ईद मुबारक। बाहर रहते हैं, छुट्टी मिल गया था, आ गए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो चलिए चलते हैं घर अब। पूरा यहाँ पे ईद की नमाज़ जो है मुकम्मल हो गई है, फाइनली हम जो है चेयर पे बैठ के जो है पढ़ लिए। तो आप लोग देखिए जो है यहाँ पे पूरा जो है ईद की नमाज़ जो है मुकम्मल हो गई है, अदा कर ली गई है। तो चलिए चलते हैं अब घर। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ईद की नमाज़ जो है मुकम्मल कर ली गई है, कुछ लोग घर जा रहे हैं, कुछ लोग जो है कब्रिस्तान जा रहे हैं फातिहा वगैरह सब पढ़ने, और आप लोग को बाकी यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग यहाँ पे जो है जा रहे हैं अपने अपने घर। ईद की नमाज़ जो है मुकम्मल कर ली गई है, गांव के हमारे प्रधान जो है पिंटू भैया जो है काफ़ी अच्छे से जो है टेंट लगवा दिए थे, और हर साल ही लगवाते हैं, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी धूप भी था, देख सकते हैं काफ़ी धूप है। तो हम लोग भी चलते हैं अब, और थोड़ी देर में जाएंगे घर, भाई भी जो जाएंगे कब्रिस्तान, और अब आकर हम लोग चलेंगे घर। ये रहे ताज भाई की दुकान पे गए थे। ताज भाई ईद मुबारक।